नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मकसूद के कॉलेज तथा उन पर धारा 153 के तहत मामला दर्ज होने पर विधायक मकसूद ने कहा कि मेरा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, मैंने किसी भी धर्म के बारे में कभी बुरा नहीं बोला है। वहीं विधायक आरिफ मकसूद के कॉलेज पर अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है तथा विधायक आरिफ मकसूद पर भी धारा 153 के तहत तलैया थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन की कार्यवाही को लेकर विधायक मकसूद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया उसका रिएक्ट करने का मुझे संवैधानिक अधिकार है। मुझे जानकारी मिली कि खानू गांव स्थित मेरे कॉलेज के एक हिस्से को तोड़ दिया गया है, जबकि न्यायालय से मुझे परमिशन मिल चुकी है। यह बीजेपी सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मुझे कल रात में एक प्रेस के जरिए पता चला कि मुझे मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153 का। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था, 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मजहब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कर लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। दूसरा भी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहा है उनसे दरख्वास्त है कि वो घबराएं ना। तालीम तो हम हर हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे, चाहे खुले मैदान में कराएं, अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो खुले मैदान में कराएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। और ये सरकार ने एक दबाव वाला काम करा है, लेकिन मैं लोगों से शांति की अपील करता हूँ कि हमको अमन कायम रखना है और हमें अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार पाने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो कुछ भी होगा संवैधानिक रूप से वो हक मांगते आए, मांगते रहेंगे, जो हक है वो हक कहते आए और हक आगे भी बोलेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।